What is टू टोन एंड हाउ टू यूज टू टोन ऑन आईफोन। आईफोन 8 सीरीज एंड अबव डिवाइस में आपको टू टोन की फीचर देखने को मिलती है। क्या है इसकी यूसेज, क्या आपको टू टोन हमेशा ही ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ रखना चाहिए, कैसे आप पता लगा सकते हैं टू टोन की हेल्प से कि आपके आईफोन की डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, प्लस क्या टू टोन यूज़ करने से आपके आईफोन की बैटरी ड्रेन होती या फिर नहीं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी दोस्तों, ट्रू टोन के बारे में बताने वाला हूँ एंड क्या है इसका यूसेज, एक्चुअली में ये वर्क कैसे करता है आपके आईफोन्स में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टू टोन। तो दोस्तों ये जो है एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, आप सभी नोटिस करते होंगे, जैसे ही आप सभी चेक करिए मेरे पास आईफोन 6s है, इसमें जो है आपको ट्रू टोन फीचर नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे आप सभी देख लो आईफोन 8 एंड आईफोन 8 से अब जितने भी आईफोन्स हैं आपको डेफिनेटली टू टोन देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे नज़र डालते हैं, हमें देखने को मिल जाती है नाइट शिफ्ट ऑफ एंड ट्रू टोन। तो ट्रू टोन को जैसे ही आप यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं तो ये गाइस क्या करता है, जो बैकग्राउंड में आपका इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता है। जी हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल आपके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा जो है डिम लाइट है, नाइट है, तो ये ऑटोमेटिकली अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो उस अकॉर्डिंग अपने जो डिस्प्ले की कलर्स हैं आपके लिए वो चेंज कर देता है। बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो है जैसे आप सनलाइट में जाते हैं एंड इसको अगर आप ट्रू टोन को एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये उसके अकॉर्डिंग जो अपनी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस होती है प्लस कलर्स जो हैं उनको चेंज करना शुरू कर देता है ताकि आपकी आइज़ के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। एंड बताना चाहूँगा दोस्तों टू टोन आपकी आइज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे रात को कई बार हम अपने आईफोन को यूज़ करते हैं तो यहाँ से जो डिस्प्ले से गाइस रेज निकलती हैं वो भी डायरेक्टली आपके आइज़ पे इफेक्ट करती हैं। बट अगर आप टू टोन को एक्टिवेट करते हैं तो ये जो है अपने डिस्प्ले के कलर्स जो है चेंज करता रहता है, तो वहाँ पे जो रेज निकलती हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है कम हो जाती हैं, यानी कि इफेक्ट करना कम कर देती हैं आपकी आइज़ को। ठीक है, तो टू टोन इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। बट मोस्टली आप सभी नोटिस करते होंगे अगर आप टू टोन को एक्टिवेट करें एंड फॉर एग्जाम्पल आपके बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा जो है डिम लाइट है, नाइट है, तो ये उस अकॉर्डिंग जो है डिस्प्ले का कलर चेंज करता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन किया है, यहाँ पे बैकग्राउंड में जो मेरी लाइट है वो ना ज़्यादा डिम है एंड ना ज़्यादा हाई है, तो डेट्स है यहाँ पे अगर मैं टू टोन को एक्टिवेट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले में चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। बट अगर यही आप जाते हैं फॉर एग्जांपल डिम लाइट में यूज़ करते हैं तो जैसे आप यहाँ पे टू टोन को एक्टिवेट करेंगे ये जो है अपने अकॉर्डिंग जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपके डिस्प्ले के कलर चेंज करना शुरू कर देता है। ठीक एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे सनलाइट में जाएंगे तो आपके जो डिस्प्ले के कलर हैं, ताकि आपको कम से कम इफेक्ट हो एंड आपका जो यहाँ पे डिस्प्ले जो है आपको सही से प्रॉपरली दिखे, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना शुरू कर देता है। तो ये दोस्तों इसका यूसेज। अब मैं आपको बताऊंगा क्या आपकी जो टू टोन है उसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं कैसे आपकी जो आईफोन की डिस्प्ले है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट, क्या जो आपको टू टोन हमेशा ही ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ, प्लस क्या ये बैटरी कंज्यूम करता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आपकी जो डिस्प्ले ओरिजिनल होगी तो आपको टू टोन जो है डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बट समटाइम अगर आपकी जो डिस्प्ले है वो रिप्लेसमेंट कराई गई है, बट समटाइम देखा जाता है दोस्तों अगर आपके आईफोन की जो है डिस्प्ले ओरिजिनल भी होगी तो भी आपका मे बी जो टू टोन है वो ऑफ रहे, यानी कि वर्क नहीं करेगा इस सिचुएशन। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, अगर आपका टू टोन ऑफ है या फिर वर्क नहीं कर रहा है तो आपकी आईफोन की डिस्प्ले डुप्लीकेट है। समटाइम अगर हमारे आईफोन की जो फेस आईडी है वो वर्क नहीं करती है, वो ख़राब हो जाती है, तो भी दोस्तों आप सभी की जो आईफोन में ट्रू टोन है वो वर्क करना बंद कर देता है, ऑफ हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट सम टाइम अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करनी है, पता लगाना है कि हमारे जो आईफोन की डिस्प्ले है वो रिप्लेसमेंट होकर ओरिजिनल या फिर डुप्लीकेट, तो जस्ट आप सभी यहाँ पे ट्रू टोन को ही देख लेना ऑफ है या फिर ऑन, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा आपकी डुप्लीकेट है डिस्प्ले या फिर ओरिजिनल। बट अगर फेस आईडी वर्क नहीं कर रही होगी तो भी ये ऑफ मिलेगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बताना चाहूँगा कि आपको टू टोन हमेशा ही ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ, क्या ये बैटरी कंज्यूम करता है। तो दोस्तों ये जो बैटरी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करता है, ये जस्ट आपके जो डिवाइस में डिफॉल्ट सेट है इस सेटिंग का आप यूज़ करें, कोई भी एक्स्ट्रा जो आपके यहाँ पे बैटरी कंज्यूम नहीं होती है इस टू टोन फीचर के बदले। ठीक है, बट अगर बताना चाहूँगा दोस्तों ये जो है हमेशा ही ऑन रखना चाहिए या फिर ऑफ, तो इसको आप ऑन रखें क्योंकि ये जो है अपने अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कलर्स को फिल्टर करता है, चेंज करता है, तो ये वाकई में बहुत ही बढ़िया यूज़फुल चीज़ है। तो आप इसको हमेशा ही ऑन रखें, समटाइम आप जो है सडनली सनलाइट में चले जाते हैं या फिर डिम लाइट में चले जाते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है खुद ही अपने डिस्प्ले को जो है चेंज करता रहता है कलर्स को। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।